नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिशक न्यूज़। उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों में शिक्षा विभाग में कार्यरत क्या अंधेशक शिक्षा मित्रों को मिलेगा दीपोत्सव दीपावली का उपहार? नियमितीकरण की आस में बैठे ये अंधेशक और शिक्षा में 20 और 10 साल से लगातार अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। खबर क्या है आज आप हम इस तस्वीर से दिखाना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपने हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उसके निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर हमें आश्वस्त किया है और शीघ्र उसे अमल में लाने का आश्वासन दिया है। आप देख सकते हैं वो तस्वीरें जो इसमें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं शिक्षा मित्रों के संगठन के द्वारा। और आज लखनऊ के एक समाचार पत्र ने जो खबर छापी है वो भी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर साइड में। शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान जल्द बनेगी कमेटी, लखनऊ से ये समाचार है। अब ये क्या समाचार है इस पर पूरी बात करेंगे आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल के समाचार आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन देकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। दीपोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये दिवाली आपको नियमितीकरण का तोहफा लेकर आए। शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान जल्द बनेगी कमेटी, ये न्यूज़ आज के समाचार पत्र यानी कि 9/11/2023 के समाचार पत्र से प्रकाशित की गई है, जो कि लखनऊ से प्रकाशित है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह भी व वैश्विक शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर एम के एस सुंदरम से मुलाकात की। वार्ता में मंत्री व प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण व अन्य मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा। अब एक और खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करके ये सोशल मीडिया पर वायरल की गई खबर है। आपकी सारी खुशियां इस माह की 15 अक्टूबर से 20 तारीख तक आपके सामने होंगी। इसी बीच कैबिनेट भी होगी, जियो भी आएगा, मानव संपदा पोर्टल आपका पद ग्रेड भी शो करने लगेगा और 21 से 23 के बीच अध्यापकों की उपस्थिति के साथ आपकी भी लॉक होगी यानी कि अटेंडेंस लॉक की जाएगी और अध्यापकों के वेतन के साथ दीपावली से पहले आपको मिलेगा उपहार, जिससे इस वर्ष की धनतेरस मनेगी ना कि धन तरस। तो साथियों, ये सोशल मीडिया पर थी खबर जिसमें हमने आपको पढ़कर बताया, लेकिन जो लखनऊ से आज प्रकाशित हुई है खबर और नियमितीकरण को लेकर इसमें साफ साफ लिखा है, मानदेय वृद्धि को लेकर दिखाया है, सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, कमेटी गठित की जाएगी, इस पर हम कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब देखते हैं वक्त के हिसाब से ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसकी पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकार भी चाहेगी कि डबल इंजन की सरकार में कहीं कोई ब्रेक ना लगे और संविदा कर्मियों को कुछ ना कुछ उपहार दिया जाए, क्योंकि सभी राज्य अपने अपने राज्यों में संविदा कर्मियों को नियमित कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये खबर एक पॉजिटिव एनर्जी देकर जाए, ये दीपावली आपकी खुशियों भरी बीते, आपके जीवन में भी हो दीपावली का धमाका नियमितीकरण के रूप में। मिलते हैं किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अनुदेशक न्यूज़, आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।